बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन का आज पहला दिन और क्या है पटना की सड़कों का हाल। मैं बेली रोड में मौजूद हूं और आशियाना मोड़ के पास क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पुलिस यहां पर सुरक्षा के लिए तैनात है और खास तौर पर आने जाने वालों के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये जो तमाम गाड़ियां निकल रही हैं ये इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही छूट है, क्योंकि लॉकडाउन का फैसला जब लिया गया तो उसमें कुछ शर्त भी है, सशर्त लॉकडाउन की इजाज़त। और देखिए ये जो ऑटो है या जो भी गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उन सभी से पूछताछ किया जा रहा है। जैसी तस्वीर पिछले साल नज़र आ रही थी जब कोरोना को लेकर के लॉकडाउन लगाया गया था, और वैसी तस्वीर इस बार भी नज़र आ रही है। हालांकि इस बार देर हो गई बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि बिहार में अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिल्कुल सड़कें जो हैं वो सुनसान और दुकानें एक लाइन से आप देखते रहिए कि सभी दुकानें अब बंद हैं। पहले इन दुकानों को खोलने की छूट थी, हालांकि अभी भी जो मेडिकल की दुकानें हैं यानी जी जो फार्मासिस्ट हैं मेडिसिन की दुकानें हैं वो सभी खुल सकती हैं, और वो जो तमाम जो गाइडलाइंस में दिया गया है उन दुकानों को सशर्त छूट ज़रूर मिली है। दूसरी तरफ सड़क के मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से जो गाड़ियाँ आगे की तरफ जा रही है गोला रोड या दानापुर की तरफ, उन गाड़ियों के लिए भी बैरिकेडिंग बाकायदा लगाया गया है। और सिर्फ बैरिकेडिंग ही नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग लॉकडाउन के नियमों को पूरी तरह पालन नहीं करते हैं, तो उन लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार जो है वो और भी रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, कड़ाई कर दी गई है। और ये देखिए जो भी शख्स यहाँ से गुजर रहा है, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों बड़ी गाड़ियाँ हों, सबसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिनको इजाज़त है जिनके पास स्लिप है वो ही निकल सकते हैं। इमरजेंसी सेवाओं के लिए लोग सड़क पर निकल सकते हैं, और बाकायदा गाइडलाइंस जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि कौन अपनी दुकानें खोल सकते हैं, कौन सड़कों पर निकल सकते हैं। और ये तस्वीर है, ऐसी तस्वीर जो है वो पटना के लगभग हर इलाके से नज़र आ रही है, और ये एक शख्स हैं जिनकी गाड़ी का फिलहाल जो है वो चालान कट रहा है। सर ये क्या हुआ इस गाड़ी में? एयरपोर्ट से आ रहा है, इस गाड़ी में टिकट है एक आदमी को और सीट बेल्ट किसी को नहीं है, सीट बेल्ट का फैन हो रहा है। हाँ, आप लोग जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उनसे क्या क्या पूछताछ कर रहे हैं, मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं? कहां से गाड़ी आ रही है, कौन काम से गए थे वो, तब किसी को मेडिकल के काम से है, कोई एयरपोर्ट से आ रहे हैं, कोई स्टेशन से आ रहे हैं, कोई स्टेशन दानापुर जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कोई मेडिकल स्टाफ है, कोई बैंक स्टाफ है, वो सबको पूछ लेते हैं छोड़ देते हैं। ये जो है ये तस्वीर है यहाँ पर, और इसी तरीके से जो है वो आप देखिए आशियाना मोड़ पर नज़र आ रही है एक फैमिली है यहाँ पर, ज़रा इनसे बात की जाए कि आखिर ये लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। लॉकडाउन में कहीं दूर से आ रहे थे? जी जी, क्यूल से आ रहे हैं। गाड़ियाँ मिली आप लोगों को? हाँ, हम तो यहीं से आ रहे हैं। फैमिली दूर से? फैमिली, हाँ फैमिली दूर। कैसे जाएंगे, गाड़ी तो बंद हो गई है, दिक्कत हो रही है। हाँ, तो स्कूटी से बने किसे दो गो के लेकर के चल जाएंगे, उनको थोड़ा दूर के बाद बगले में जाना है राजीव नगर। मतलब पहले बच्चों को लेकर जाएंगे फिर वाइफ को लेकर, फिर बात, क्योंकि अब तो सब पूरी तरह बंद है, ऑटो ऑटो में भी डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हो आप? लखीसराय। तो लॉकडाउन हुआ इस वजह से आ गए या कुछ लाइक लॉकडाउन के कारण से भी, प्लस हम लोग का स्टडी का जो था और और वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी रहकर, इसलिए। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश कुमार। ऑटो क्यों नहीं लिया? वहाँ से ई रिक्शा से आ गए, इधर से ऑटो नहीं जा रही है ना? नहीं जा रही, बिल्कुल भी ऑटो। ये ओम प्रकाश जी हैं और इनकी फैमिली जो है वो लखीसराय से पहुंची है, और अब आप समझ सकते हैं एक परिवार की दिक्कत। हालांकि इमरजेंसी केस में यहां पर जो परिवार पहुंचा है, स्कूटी से पहले बच्चों को छोड़ेंगे और फिर वाइफ को लेकर जाएंगे। तो ऐसी ही तस्वीरें, लोगों को दिक्कतों का सामना थोड़ा बहुत तो करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं लोगों को भी ये समझना पड़ेगा। बसों में 50% क्षमता के साथ छूट मिली है बसों को, यानी बस ड्राइवर जो है वो 50% ही लोगों को बिठा सकते हैं बसों में। इसके अलावा भी गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस के बीच पटना में आज कड़ाई है, लॉकडाउन की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ दिशी, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।